पमन बचन ओहदारन जिंदारन खास शुक्र गुजार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रैना मैडम शिमा रैनस वो मुबारकबाद शिमा रैनस अमिन तो रैना जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमजोरी गरीब बिल्किस ओहदार जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला महिला रिहाना जी पन्नी महिला कांग्रेस की तरफ मुबारकबाद पेश करान यह अगर अस ग शक मगर चूंकि अस लोकेशन गलत जैसे आपने देखा होगा राहुल जी का भी जहाँ पे वो जा रहे हैं तो लोगों का क्या बिल्कुल सैलाब की तरह लोग उसके पीछे जा रहे हैं। वह हमें किसी को पैसे दे के बुलाना नहीं पड़ता है, लोग खुद हमसे जुड़ रहे हैं। तो आपको पता होगा चाहे बाहर पूरे हिंदुस्तान में चाहे जम्मू कश्मीर में आपने खुद देखा होगा जब जो इलेक्शन की कंपेनिंग चली तो जो इंडियन गठबंधन है बिल्कुल मुझे लग रहा है जो 4 जून को वो बिल्कुल भारी अक्सरियत से जो वोटर है जम्मू कश्मीर के या पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो वोटर है वो करारा जवाब देंगे हैं भाजपा। जो आज का हमारा मुद्दा और मकसद प्रोग्राम का था, अब मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर की और मैं हर एक गांव तक एक ब्लॉक तक एक हलकत तक लोगों के उनके औजार उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सुनने के लिए जाती हूं और उनको अपने कांग्रेस के एजेंडा और मैनिफेस्टो जो हमारे कांग्रेस का था और जो हमारी मैनिफेस्टो उनको मिला है जो उनकी गारंटीज़ मिली है इनके लिए अवेयर भी मैंने पहले भी किया था, आज भी मैंने उनको बता दिया। लेकिन की बड़ी सारी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी महिलाओं को चाहे पानी के लिहाज से चाहे बिजली के लिहाज से, ये पूरे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में है। आप श्रीनगर में भी एक इलाका है जब यहाँ 5 दिनों से पानी नहीं है और यहाँ पे भी बहुत पानी की बहुत ही किल्लत है इनको। मुझे लगता है जो यहाँ पे व्यवहार किया गया हमारे महिलाओं के साथ हमारे नौजवानों के साथ, मुझे लगता है आने वाला वक्त हम पे जो हमारी सरकार थी पहले उनको माफ़ नहीं करेगी और जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आ जाएगी इंशाल्लाह 4 जून को इनके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको अजाला करेगी। मैं चाहूँगी जो महिला कांग्रेस है या महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है, महिला आज हर शोबे में है। आप देखिए कि पायलट भी हैं, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है, जज भी है, साइंटिस्ट भी, हर जगह में अगर पॉलिटिक्स में देखें महिला एक से बढ़कर है। तो जो मैं रिहाना जी को देख रही हूँ, मैं फ्यूचर ऑफ मुझे लगता है बांडीपुर का देख रही हूँ, अगर एक इंशाल्लाह कल जो आगे पंचायत के इलेक्शन होंगे या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे या असेंबलीज़ के इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह हम इसको उतारेंगे मैदान में, क्योंकि इनमें बड़ी क्षमता है, बहुत ही अच्छी है और बहुत काम करने वाली है, ग्रास रूट लेवल तक जाने वाली है, हर हल्के में जाती है, हर ब्लॉक में जाती है। मैं इसको बहुत ही आपकी मीडियम के माध्यम से बहुत ही मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मुबारकबाद दीवान कि शिमरना बस बड़ा शुक्रगुजार। मैं इतना मेरा जी आज इतना खुश था क्योंकि उन्होंने हमारी सरजमीन पे पैर रखा, क्योंकि आज वो आएगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा बानेरा ब्लॉक हजन, आज इसी गांव में इसी ब्लॉक में मैंने अपने मिट्टी दिया, पूरा ब्लॉक में नहीं दिया, ब्लॉक तो बहुत है मेरी पर हज़ारों में है, एक माले है वहाँ हल्के बाड़ी एक हल्के में मैंने आज प्रोग्राम उसको नहीं रखा, एक ही जगह नहीं 2-3 जगह मैंने उसको आज रखा और नाजिन भी रखा, वो 10 बजे से वही पे भी तो कोई इंतजार कर रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार इन औरत का, इन बच्चों का, इन बहरों का, खासकर अपनी जो जिम्मेदारान यहाँ बड़े शुक्रगुजार इन बड़े शुक्रगुजार 100% क्या मेहनत करा या गुलानी भी है तो जिम्मेदार ब्लॉक्स में जा या हल्के प्रेजिडेंट में ही बस बड़े शुक्रगुजार कि हर वक्त मेहनत, मुझे यही उम्मीद था इंशाल्लाह रहमान आगे असम्बली इलेक्शन आने वाला था, मुझे ये पूरा उम्मीद था, जब मैंने उनको बोला तब वो हाजिर था, मुझे यही उम्मीद था हम इंशाल्लाह में जीते निकालेगा यहाँ।